आखिरी फेरा है, इसके बाद वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा, मंगलसूत्र पहनाएगा, फिर शादी संपन्न होगी। पुचकी की शादी नहीं हो सकती, मैं पुचकी को किसी और से शादी करने कभी नहीं दे सकता। मैं रिदोय से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। रिदोय को मैंने सब कुछ दिया है, सब कुछ, लेकिन अपना प्यार, अपनी जान मैं उसे नहीं दे सकता। यहां से मैं निकलूं कैसे? अब बाकी के फेरों के लिए कन्या आगे आई। मुझे क्या हो रहा है? शांतनु, शांतनु कहाँ है? नहीं अस्मिता, संभालो अपने दिल को, अपने आप को, ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। क्या आप रुक क्यों गए? अस्मिता जी, अब आप रुक नहीं सकते। अस्मिता जी, फेरे पूरे कीजिए। शान बाबा आंखें खुली। शान बाबा, अरे तुम डॉक्टर को बुला के ले आओ जल्दी। चलो, ये लास्ट फेरा है और अब हृदय की शादी की जिद पूरी होगी। जैसा हृदय जी चाहते थे वैसी हमने सात फेरों की रस्म पूरी कर दी। अब वर वधु अग्नि में खोई अर्पित करें।
पता नहीं कहाँ है शाम। आइए रिदक, अब सिंदूर दान की रस्म करनी है। ये लीजिए सिंदूर और कन्या की मांग भर दीजिए। ओम सिंदूर उत्तम श्रेष्ठ सिंदूरम सर्वंदितम सिर धनवंती कन्या कल्याणम। शादी नहीं हो सकती। पुचकी यानी कि अस्मिता, मैं इससे प्यार करता हूं, मेरी पत्नी आई है। और कानूनी तौर पर ये तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती जब तक कि मैं इसे डिवोर्स नहीं दे देता। क्या कर रही हो पुचकी, सब क्यों कर रही हो तुम? मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। अपनी पत्नी को दूसरे की पत्नी बनने कैसे दे सकता हूं? कैसे अपनी आंखों के सामने देख सकता हूं तुम्हें दूसरी शादी करते? कुछ की तुम मेरी बूंद हो, मेरे बचपन की बूंद हो। मुझे मुझसे बेहतर तुम जानती हो, समझती हो। और हाँ, जो तुम ये कर रही हो ना, ये चोट पहुंचाने के लिए कर रही हो ना। बोलो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, एक भी बात अगर गलत है तो बताओ। ये क्या हो रहा है? छोटे भाई की बीवी से प्यार? प्यार क्या, शादी की है बोल रहा है। मुझे तो लगता है ये लड़की दोनों को घुमा रही होगी। शोना गाची की है ना, यही करेगी। एक जूनियर, आज तू पीछे हट जा। इस बात को तू जितना जल्दी समझेगा ना, वो तेरे लिए बेहतर होगा। वो तुझसे प्यार नहीं करती है। ये मेरी पुचकी और मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी से क्यों शादी करना चाहते हो? दादा, अस्मिता जी मेरी पत्नी है, तो बीच में मत आइए आप। प्लीज चैन से जीने दो हमें। चैन से जीने चाहते हो तुम? ऐसी शादी जिसमें प्यार ही नहीं है, वो शादी करके तुम चैन से जियोगे? ठीक चल, शादी के ना कोई मायने, कोई मायने। हट जा। ओके ओके, जाइए आप, जाइए जाइए। थैंक यू वेरी मच। आप जाइए यहाँ से, आपकी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है चांद मजुमदार। तो आप जा सकते हैं, वैसे भी आपको शादी में न्योता नहीं है, तो आप जाइए ना। जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। अरे भाई जूनियर, तो कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। चलो बस, बहुत हुआ शान, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। अभी के अभी ये तमाशा बंद कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए, वरना हम अपने आप को आग लगा देंगे। ठीक है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पुचकी मेरी बचपन की बूंदू है, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी सब कुछ है, और उसे मेरे दुआ से शादी नहीं करने दूंगा।
पर अगर आप लोगों में से किसी ने भी जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मैं यहाँ पुलिस को बुला लूंगा और पुचकी और आप सबके खिलाफ केस फाइल करूंगा। क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के मुताबिक मेरी शादी पुचकी से हो चुकी है। शबेश, क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा आपको? किसी को? मैं प्रूफ लेके आया हूं, मेरे पास प्रूफ है, मोबाइल में उसकी कॉपी लेके आया था मैं। ये देखिए मामा, ये देखिए सर, ये देखिए, आप ही देखिए, ये देख चुके, ये देख। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद साइन किया। दादा आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या और सच क्या है ना, ये तो अब कोर्ट में फैसला हो जाएगा, लेकिन तब तक यहाँ कोई शादी नहीं होगी। और जब पुलिस आएगी ना, तो मैं सबसे कहूंगा, और क्या बताऊं मैं आप लोग को, मतलब मेरी बीवी मुझसे रूठ गई है, मेरी पत्नी कि मेरी बीवी मुझे सबक सिखाने के लिए मुझे सताना चाहती है, इसलिए वो यहाँ मेरे ही भाई से दूसरी शादी कर, मतलब कैसी होती है आजकल की लड़कियां, कुछ भी कर रही है। बंद करो ये सब, बहुत तमाशा दिखा लिया तुमने सबको। दादा बहुत मजाक बन गया मेरा, बहुत मजाक हो गया। छोटा है, छोटी की तरह रहे। बस क्या हो, क्या क्या है तुम्हें, क्यों ऐसा कर रहे हो? यही सवाल तो मेरा तुमसे, क्यों क्या क्या है तुम, क्यों ऐसा कर रहे? पति से इतनी नाराजगी की, उसके छोटे भाई से शादी करने के लिए तैयार हो गए? हाँ तैयार हूँ, ये मेरा फैसला है। ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है, ये तुम्हारा गुस्सा है, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो गुस्सा कर रहा है। लेकिन तुम्हारा दिल बेचारा भी तो कब से कुछ कहने की कोशिश कर रहा होगा, उसकी भी तो सुन लेते। मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं वही कर रही हूं। मैं अस्मिता इस घर की छोटी बहू हूं। गलत, बड़ी बहू हो तो। पंडित जी सबके सामने अनाउंसमेंट कर दीजिए कि शादी संपन्न हो चुकी। लेकिन अस्मिता जी, तक शादी की विधियां पूरी नहीं हुई हैं। शादी संपन्न कैसे हो सकती? जरूरत नहीं रहता है, हम दोनों इस शादी को मानते हैं तो बस हो चुकी है हमारी शादी।
डॉक्टर। हाय रब्बा, देख कितनी चोट लगी है तुझे। पुत्र, तेरा ये घाव तो भर जाएगा, लेकिन ये अभी जो तेरे दिल पे चोट लगी है उसका क्या होगा? दादी बुआ, आपका पुत्र अपनी बीवी को वापस पाकर रहेगा। पुचकी के दिमाग पर दिल की हुकूमत होगी, आप देख लेना। पर पुचकी की पहली शादी मुझसे हुई और उस शादी के रहते दूसरी शादी कानूनी तौर पर मानी ही नहीं जाएगी। शान, जितना तुम्हें लग रहा है ये उतना आसान नहीं है। चाचू, वो प्यार ही क्या चाचू जो आसानी से मिल जाए। शांतनु अपनी बचपन की दोस्त और अभी की पत्नी को वापस पाकर रहेगी, अपने पूरे परिवार के सामने डंके की चोट पे। देखता हूं कौन मुझे रोकता है। क्या बेहूदगी है, रिश्तों की मर्यादा रखो। शाम, ये क्या कर रहे हो? ये जस्ट स्टॉप इट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लिसन, ये क्या कर रहे हो? जस्ट स्टॉप इट। शांत हो जा। पुचकी, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ पुचकी कि मेरे मन में तुम्हारी और इदोय की शादी का कोई वजूद नहीं। तुम्हें इस घर की छोटी बहू मैं कभी नहीं मानूंगा। कानूनी तौर पर तुम मेरी बीवी हो। मैरिज सर्टिफिकेट्स पर हम दोनों के सिग्नेचर्स हैं एंड ऑल थैंक्स टू यू। तुम्हारी बदौलत तो वो सिग्नेचर्स हो पाए थे, है ना? याद है ना तुम? कुछ की तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपना कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। चलो पुचकी, आ जाओ। चलो पुचकी, पीठ पे थोड़ा साबुन लगा देना, बड़ी गंदी जगह गया था और थोड़ी सी चोट भी आ गई। चलो, अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाओ, एक पति का इतना हक तो है ना। चलो चलो पुचकी, साबुन लो और पीठ पे लगा दो जल्दी। पुचकी, चलो शांत हो, आ जाओ पुचकी, आ जाओ, पत्नी होने का फर्ज निभाओ। चलो शांत, लिसन। एक एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। रुक जाओ बीवी, तुमने तुम्हारा गुस्सा दिखाया ना पुचकी, अब मैं तुम्हें अपना जुनून दिखाऊंगा। तुम एक भी पल मुझसे दूर नहीं रह पाओगे और ये मेरा वादा है तुमसे। भले दिमाग जो है वो रिद्वाई के पास जाने की सलाह देगा, लेकिन जो तुम्हारा दिल है ना,
वो तुम्हारे शांतनु के पास खींचा चला आएगा। आई प्रॉमिस। अब देखते हैं जीत किसकी होती है, पुचकी के नफरत की या शांतनु के प्यार की।